हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलिमा और मेरे चैनल कैश किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल खिचड़ी, जो बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत ही हेल्दी होती है। इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कैश किचन को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरी फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिक्स वेजिटेबल खिचड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए बॉयल्ड राइस या फिर कोई भी थिक राइस 1/2 कप, मूंग दाल 1/4 कप, मलका दाल 1/4 कप, कटी हुई गाजर 1/4 कप, कटी हुई लौकी 1/4 कप, हरे मटर 1/4 कप, टमाटर 1, चॉप की हुई धनिया पत्ती गार्निशिंग के लिए, हींग चुटकी भर, सरसों के दाने 1/4 टीस्पून, ज़ीरा 1/4 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून या स्वादानुसार, देसी घी 2 टेबलस्पून, पानी 2 कप या आवश्यकता अनुसार। सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में चावल, मूंग दाल और मलका दाल डालें। इन्हें पानी से अच्छे से 3 से 4 बार धो लें। ध्यान रखिए, चावल कोई भी मोटा वाला ही लीजिएगा, बासमती बिल्कुल ना लें, क्योंकि इसमें स्टार्च होता है तो उस खिचड़ी बहुत ही अच्छी बनती है। आप चाहें तो दोनों दाल में से एक दाल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन्हें थोड़ी देर के लिए भिगो कर रख दें। तब तक हम खिचड़ी की तैयारी करेंगे। अब प्रेशर कुकर में मीडियम फ्लेम पर घी डालें। खिचड़ी का टेस्ट देसी घी में बहुत ही अच्छा आता है, तो ध्यान रखें इसे देसी घी में ही बनाएं। अब इसमें सरसों दाने और ज़ीरा डालें। इन्हें स्प्लटर होने दें। अब इसमें हींग डालें। अब इसमें गाजर डालें और इसे अच्छे से स्टर कर लें। अब इसमें लौकी डालें और इसे अच्छे से स्टर कर लें। अब इसमें हरे मटर डालें और इसे अच्छे से स्टर कर लें। अब इसमें टमाटर डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। आप चाहें तो अपनी पसंद की और वेजिटेबल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बीन्स, फूलगोभी। अब भीगे हुए चावल और दाल में से एक्स्ट्रा पानी निकाल दें। इन्हें कुकर में सब्जी के साथ डाल दें। अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें हल्दी पाउडर और नमक डालें। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें 2 कप पानी डालें। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ध्यान रखें, अभी यहाँ पे पानी हमने 2 ही कप डाला है, क्योंकि ज़्यादा डालने से कुकर से पानी बाहर निकल भी सकता है। अब ढक्कन लगा दें और 2 विसल आने तक पकने दें। दो विसल आने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर दें।
जब कुकर का प्रेशर अपने आप रिलीज हो जाए तो इसका ढक्कन हटा दें। देखिए खिचड़ी अभी थिक है, फ्लेम वापस से ऑन कर दें। अब इसमें एक कप पानी और डाल दें, इसे अच्छे से मिक्स कर दें। इसमें अच्छे से बॉईल आने दें और इसे वापस से अच्छे से मिक्स कर लें। ताजी धनिया पत्ती से गार्निश करें, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब फ्लेम को बंद कर दें। लीजिए हेल्दी और डिलीशियस मिक्स वेज खिचड़ी तैयार है। इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लें। ऊपर से थोड़ा सा घी डाल दें। इसे गर्मा गर्म रायते, दही या फिर पापड़ के साथ सर्व करें और इसको एंजॉय करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।